गुड इवनिंग, आई एम गुरमीत कौर मान, प्रेसिडेंट फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वेल, हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर के नीचे एक वुमेंस डे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पुणे में, जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लेडीज़ को इनवाइट किया है। हर एक लेडी अपने में ही एक अलग थी, कोई बाउंसर है, कोई ट्रांसजेंडर थी, कोई पोस्टमैन है, कोई हाउसमेड है। तो ऐसे मतलब जहां मुझे लगा कि इन लोगों को ये डिज़र्विंग है, तो ऐसे सब लेडीज़ को, अराउंड 40 लेडीज़ को हमने इन्वाइट करके उन्हें फेलिसिटेट किया। प्लस ये इवेंट करना इज़ नॉट ईजी, दुबे जी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस इवेंट के लिए, एंड इट वॉज़ अ ग्रैंड इवेंट, सक्सेस हो गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अवार्डियों का चयन किस तरीके से किया, कितना मेहनत लगी, घर-घर जाके किस तरीके से आपने उनका चयन किया? मुझे काफ़ी टाइम लग गया जेन्युइन लोगों को पिकअप करने के लिए। देखो, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहती हूँ, बट मैंने काफ़ी देखा है कि लोग अपने ही फ्रेंड सर्कल में इनवाइट करते हैं, उन्हीं को फेलिसिटेट करते हैं, उन्हीं को गेस्ट ऑफ ऑनर यू नो बनाते हैं। बट जो एफर्ट्स मैंने लिए हैं, रितु जी ने लिए हैं, हम लोगों ने जेन्युइनली एक एक प्रोफाइल ढूंढा है, उनका बैकग्राउंड चेक किया है, उन्होंने जेन्युइनली लाइफ में क्या अचीवमेंट्स किए वो सब देखकर उस तरीके से हमने इन 40 लेडीज़ को चुना है और उन्हें फेलिसिटेट किया है, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं। और मेरी 90% लेडीज़ थी जो सिंगल हैं, जो विडो हैं, जो डिवोर्सी हैं, और जिन्होंने शायद कभी शादी नहीं की है। तो ऐसी लेडीज़ को मुझे बैक जो कर्टन के पीछे हैं उन्हें मुझे सामने लाकर उनका हार्डवर्क मुझे अप्रिशिएट करना था और लोगों को बताना था कि आज भी ऐसी लेडीज़ हैं जो बहुत कुछ करती हैं बट सामने नहीं आना चाहती है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। आगे भी ऐसे कई कार्यक्रम और होने को हैं। अफकोर्स, अभी जैसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपके हेल्प के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुझे सबका सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊँगी। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए मैं बेटी बचाओ की पूरी टीम और पूना की जो यहाँ पे गुरमीत मान कौर जी और उनकी जो सहयोगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर रितु लोखंडे जी के माध्यम से आज यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलग अलग फील्ड की महिलाओं को आज बुलाया गया, जो देख के बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारी शहर की महिलाएं इस तरीके से इस फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं और अपने सोसाइटी का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं तो सबसे पहले गुरमीत मान कौर जी को और हमारे संजय मिश्रा जी, मनीष दुबे जी, रजनीश खोत जी, इन सबको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि मुंबई से आके और पुणे में एक बहुत ही ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज़ किया और उसको सफल किया। तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिग्निटीज़ यहाँ पे आए थे, जैसे कि भगवान राव जी थे, यहाँ की भाजपा की एक हमारी महिला आसमा शेख जी थी, और भी ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे लोग आए यहाँ पे और उन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया और बेटी बचाओ का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पुणे से हुई है। और ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम जो है और आगे बढ़ेगा। सर, अवार्डियों का चयन किस तरीके से किया जाता है? अवार्डियों का चयन एक हमारी टीम होती है जो जिसको हम जूरी बोलते हैं, वो जूरी जो है ना अलग अलग दिशा में अलग अलग एरियाज़ में सेलेक्ट करती है, रेफरेंस लेती है, उसके बारे में पता करती है। जैसे कि सपोज़ अगर आपने कोई रेफरेंस दिया कि भाई वहाँ पे पुणे में या इस जगह पे कोई ऐसी एक महिला है जो, तो उसके बारे में वो टीम जाके उसका सर्वे करती है, उसके बारे में पता करती है कि वाकई में वो डिज़र्विंग है कि नहीं, और जब वो कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, उनसे टाइम लिया जाता है और इसके बाद उनको बुला के आज यहाँ पे सम्मानित किया गया। और ऐसा लग रहा है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट का सम्मान बढ़ा है ऐसी महिलाओं का सम्मान करके। मैं हमारे पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस ड्राइव के साथ अलग अलग जगहों पे आप जहाँ से भी हैं, जहाँ पे भी जो भी स्टेट में रहते हैं वहाँ से जुड़ सकते हैं और जुड़ के इस ड्राइव को जो है और आगे बढ़ाइए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बेटी है तो कल है, तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली खास करके बेटियों के लिए, हम सभी की मानसिकता जो है वो चेंज होनी चाहिए और नारी शक्ति जो है आगे बढ़ेगी। तो ऋतु मल्होत्रा लोखंडे, एक रेडियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, फैशनिस्टा बाय पैशन एंड होम मेकर टू,
मैंने और गुरमीत ने मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर। इसमें हमने पूना के 36 फीमेल्स को अलग अलग फील्ड्स में जो काम करती हैं बहुत एग्जाम्पलरी वर्क है उनका, उनको चुना है और उनका सत्कार किया है। ये फीमेल्स कुछ इनमें से होम मेकर्स हैं, कुछ बेकर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ पुलिस वाले हैं। हमने कारवा शुरू किया और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया। अकेले ही चले थे हम इसकी ओर और कारवा जुड़ता चला गया। एक छोटी सी कहा इसकी है, कविता है, अमिताभ बच्चन जी ने गाई है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। तू कर खुदी को इतना बुलंद कि खुद हवाएं पूछें तेरा पता क्या है। तू बढ़ दुनिया तेरे साथ है, तेरे साथ है। अपने आप को किसी भी से कम नहीं समझना है। वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत सालों से हमने सुना है, उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें अपने सोच से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। और ये मेल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, हमें इनका फ़ायदा लेना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए और बाकी की और फीमेल्स को भी इससे जोड़ने की प्रयास करूंगी मैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोग्राम में शामिल हुई डॉक्टर फाउंडर मेंबर डॉक्टर अजय दुबे, महिला अध्यक्ष कौर मान मैम और बाकी के सभी पदाधिकारियों से मिली, उनकी एक्टिविटी समझने की कोशिश की। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि जब से मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो 2016 से वो इसी सब्जेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं। चूँकि आज हम टेक्नोलॉजी वाइज और एजुकेशन वाइज काफ़ी आगे आ चुके हैं, फिर भी स्त्री भ्रूण हत्या और लड़कियों के मामलों में हमको कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मगर मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि 2016 से कई गाँव में देहातों में जाके छोटे छोटे पहाड़ों पर जाके कई शहरों में जाके इन्होंने इसका प्रचार किया है, प्रसार किया है और उससे डेफिनेटली जो भी गलत चीज़ें थी उनको रोकथाम मिली है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बस वो एक ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम नहीं करते, बल्कि उसके अलावा लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना, औरतों से औरतों के आरोग्य से जुड़ी हुई सभी समस्याओं में फाइनेंशियल हेल्प करना, गवर्नमेंट से उनको टाइप करा के देना, हॉस्पिटल में जो भी कुछ खर्चा है उसको बेयर करना, बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, इस तरह के कई काम वो करते रहते हैं। मैं उनके काम को काफ़ी शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर दुबे साहब और कौर मैडम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या संस्थेच्या वतीने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय दुबेजींनी आज पुण्यामध्ये महिला दिनाचं औचित्य साधून अतिशय एक चांगला मार्मिक कार्यक्रम घेतला। समाजामधल्या उपेक्षित असलेल्या स्त्रियांना विविध माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सन्मान देऊन एक आदराने त्यांच्या पाठीशी आमची संस्था आहे आणि संस्थेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहून त्यांचा उत्थान करू, त्यांना परिवर्तन करू, त्यांच्या सगळ्या अडचणीमध्ये मात करून त्या ज्या स्त्रिया स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्यात त्यांना शाबासकी देण्याचं काम या ठिकाणी दुबेजी आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष गौरव मान आणि डॉक्टर लोखंडे यांनी केलं, त्यांच्या या कार्याला आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा। काफी हैरानी हुआ है कि इतने सारे लेडीज जो हैं जो काफ़ी काफ़ी स्ट्रांग हैं, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और हर्डल्स से गुजर चुके हैं और उस मकाम में पहुँचे हैं जहाँ पे उनको एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। आई थिंक दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिकग्निशन होनी चाहिए, जेन्युइन रिकग्निशन। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसे ही रिकग्निशन यहाँ पर गुरमीत जी, डॉक्टर लोखंडे और काफ़ी डेलीग्रेटीज़ जो जिन्होंने ये सेटअप किया है, बहुत ही खूबसूरती से सेटअप किए हैं। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत मेहनती से काम किया है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये सेटअप किया है। वी आर वेरी वेरी हम्बल्ड बाय योर जेस्टर। हा कार्यक्रम खूपच छान होता, ज्या महिला कधी उभारू शकत नाहीत किंवा त्यांना हा समाज नाकारतो, त्या महिलांसाठी ज्या स्वतःच्या धाडसावरती उभा राहतात, त्यांना तुम्ही जे प्रोत्साहन दिलं त्याबद्दल मला खूपच आवडलं। आणि हे हा कार्यक्रम खूपच छान होता अशा महिलांसाठी की त्यांना तुम्ही प्रोत्साहित करता।
की ज्यांना समाज सपोर्ट नाही करत आहे, पण तुम्ही सपोर्ट केला हा खूपच छान होता. आणि मला वाटतं की हा कार्यक्रम आणि ही ट्रस्ट अशीच पुढे राहावी, की अशा भरपूर महिला आहेत की त्यांना तुम्ही सपोर्ट करावा. आणि मीही त्यात हे असेन की अग्रेसर असेन की मला कुठेही मदत लागली नक्की बोलवा. मी नक्की पहिले गुरमीत जी और लोखंडे मैडम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम और इतने अच्छे स्तर पे की, यहाँ के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े समाजसेवी आए जो इनके हाथों से प्राइज लिए. मुझे भी प्राउड फील हुआ, वहाँ से आके मुंबई से आया मैं और इन लोगों को देख के प्राउड फील हुआ कि सिंगल मैन इतनी मेहनत कर रही हैं. और मैं, मेरी टीम, मेरी बेटी बचाओ पूरी टीम की तरफ से मैम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना. गुरमीत मैम और लोखंडे मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा कार्यक्रम किए. कोरोना काल के बाद पहला अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. धन्यवाद. लाइक टू थैंक अजय एल दुबे सर फॉर गिविंग मी द ऑनर टू रियली बी प्रेजेंट इन दिस वंडरफुल प्रोग्राम. एंड आई थैंक आज के कार्यक्रम में रितु जी का पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इसमें हर फील्ड की लेडी आई थी और वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा है. और रितु जी जो संस्था चला रही, जो ट्रस्ट चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वाकई में होना चाहिए क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं कहीं छोटे छोटे शहरों में वो वैसा ही है जो कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है. तुरंत तो जैसे छोटे बड़े होते नहीं, उनकी शादी कर दी जाती है. तो मैं चाहती हूँ कि बेटी को पढ़ने दो इतना जो इतना वो पढ़ना चाहती है. आज का जो प्रोग्राम जो था बहुत ही बढ़िया था. यहाँ पे आई मेट सो मेनी ब्यूटीफुल लेडीज़, इतने सारे अचीवर्स थे यहाँ पे आज, लाइक एवरी वुमन वॉज स्पेशल टुडे. मैं इतना शायद कभी मोटिवेटेड नहीं हुई थी जहाँ पे यहाँ पे आके आई मेट सो मेनी पावरफुल वुमेन आउट हियर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम. एवरीबडी हैड अ डिफरेंट स्टोरी, एवरीबडी हैड अ डिफरेंट लाइफ, सब ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है. तो आई एम जस्ट टोटली मोटिवेटेड एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया, मुझे आज अवार्ड दिया, अप्रिशिएशन मिला मेरे को. आई एम सो थैंकफुल. ओके, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय दुबे जी का थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूँगी गुरमीत मैम को कि उन्होंने ऐसी ऐसी लेडीज़ को फेलिसिटेट किया है आज जो कि सोसाइटी की हर एक पार्ट से. तो ये इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में भी होते रहे. ये कार्यक्रम जो हुआ आज उसका एक्चुअली एक बहुत बढ़िया बात जो है कि जो लेडीज़ एक्चुअली में बहुत लाइक लो लेवल से एकदम ऊपर उठ के आई है और उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेसफुली कुछ करके दिखाया है, उनका सम्मान हुआ, दैट इज़ द मोस्ट आई थिंक ब्यूटीफुल थिंग. और आई नो एंड आई फील दैट दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट यू हैव गिवन द वुमेन ऑफ टुडे, स्पेशली वुमेन हु आर यू नो सिंगल पेरेंट्स and are working hard towards bringing up their home and their families. For women who have sprung up from a lower strata through sheer hard work and grit and courage, we must continue this particular platform.